watching your favorite show Bollywood Bulletin and this is your personal Bollywood reporter Ankita Thapliyal. कनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो मुंबई में आए और वो आकर शाहरुख खान से मिले और शाहरुख के साथ उन्होंने अपने फैमिली के साथ कुछ पिक्चर्स भी क्लिक किए। पीएम जस्टिन ट्रूडो इन दिनों भारत में एक वीक लंबे टूर पर हैं और उनके साथ उनकी पत्नी सोफी ग्रेगियोर और बच्चे भी आए हैं और लास्ट सैटरडे को ही उनकी फ्लाइट दिल्ली में लैंड हुई थी। इन फैमिली पिक्चर्स में पीएम के परिवार के चेहरों पर खुशी देखते ही बनती है और हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से कैनेडियन पीएम के बच्चे एसआरके के साथ एक्साइटेड होकर बात कर रहे हैं। शाहरुख खान करंटली अपनी अगली फिल्म जीरो की शूट में बिजी है और इस फिल्म में एसआरके के साथ अनुष्का और कटरीना भी है और तीनों की जोड़ी जब तक है जान के बाद एक बार फिर से दिखेगी। Welcome back to this most interesting part of this episode. हमने आपको पहले ये बताया था कि जैकलीन किक टू का हिस्सा नहीं बनेंगी और आप में से कई लोगों ने ये कमेंट करके बताया था कि इस बात से आप खुश नहीं हैं। लेकिन अब वरी करने की कोई बात नहीं है क्योंकि जैकलीन अब किक टू में आएगी और ये बात कंफर्म्ड है। जी हाँ, अब आप खुशी से झूम सकते हो क्योंकि डायरेक्टर साजिद नडियाडवाला ने ये बात कंफर्म कर दी है। उन्होंने कहा कि एक अवार्ड शो में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड देते समय सलमान ने मजाक में कहा था कि किक अब रेडी है और जैकलीन आप इसका हिस्सा नहीं हो। इस बात पे सब जगह रूमर फैल गया था लेकिन अब साजिद ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और उन्होंने स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया है और जैकलीन उनके लिखाई का हिस्सा है। साजिद नडियाडवाला ने ये भी कहा है कि किक 2 2019 के क्रिसमस में रिलीज होगी और ये खबर सुनकर हम काफी एक्साइटेड है ना? इंतजार का पल खत्म हो गया है। टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी की अपकमिंग फिल्म बागी 2 का ट्रेलर फाइनली आउट हुआ है। फिल्म के निर्माता काफी वक्त से फिल्म के फर्स्ट लुक, टीजर और बिहाइंड द सीन से हमारी उत्सुकता बढ़ा रहे थे और फिल्म के ट्रेलर के लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अब मेकर्स ने हमारी आवाज सुन ली है। ट्रेलर अब फाइनली आ गया है और ये एक के कैस मूवी लग रही है। टाइगर के सिक्स पैक एब्स वाले लुक और दिशा की क्यूटनेस देखकर लगता है कि फिल्म में बहुत दम है। जब बात हो खुद के स्टंट्स खुद करने की तो टाइगर श्रॉफ इस लिस्ट में अपना नाम टॉप पर बना चुके हैं और ऐसा लगता है कि इस फिल्म में भी उन्होंने वो इम्प्रेशन को कायम रखा है। मुझे यानी कि अंकिता थपलियाल को दीजिए इजाजत। टेक केयर एंड बाय बाय टू ऑल।